वेलकम टू सोल, वेलकम टू साउथ कोरिया। आज सुबह जब फ्लाइट से उतरा मैं कोरिया में, तो उसके बाद मैंने कुछ वीडियो अपडेट किया नहीं क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था और रात में मैं सोया भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम करते हैं फिर तो शाम को निकलेंगे। शाम को तैयार होने के बाद थोड़ा सा एक किस्सा हो गया, आगे बोलता हूँ मैं क्या किस्सा हुआ। तो थोड़ा सा मेरा मूड भी ऑफ हो गया। तो फिर शाम को निकलते निकलते फिर मैंने बोला कि अभी कहाँ जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मियांगडोंग चलते हैं और वहाँ से हम लोग चलेंगे सियोल टावर। अब ये दोनों एरिया आसपास ही हैं और मैं चाहता था कि शाम का लाइट में सियोल टावर बहुत अच्छा लगता है और उसके अलावा मियांगडोंग का जो एरिया है, जो शॉपिंग का एरिया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अभी चलते हैं, मार्केट को इंजॉय करते हुए हम लोग सियोल टावर जा रहे हैं। आज जब मैं सुबह उतरा जब सोल एयरपोर्ट पे, तो मैंने पैसे कैरी किया नहीं था। मैं था कि मतलब अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लूँगा और ज़रूरत पड़े तो एटीएम से जाके हम लोग पैसा निकाल लेंगे। तो जब मैं देखा कि वहाँ से लिमोजिन बस चलती है तो उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे। मैंने करेंसी एक्सचेंज नहीं किया था। यहाँ पे जो चलते हैं साउथ कोरियन बोन चलते हैं, वो वहाँ पर मैंने किया नहीं था। मैंने जब पहुँचूँगा वहाँ पर तो यहाँ पर एक्सचेंज करा लूँगा या फिर एटीएम से निकाल लूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर नॉर्मली इतना अच्छा रेट मिलता नहीं है। होटल में पहुंचा तो उन्होंने कहा मैं क्रेडिट कार्ड लेंगे नहीं, हम लोग कैश में डील करते हैं। और जब मैं फिर देखा कि वो क्रेडिट कार्ड तो लेता नहीं है, तो फिर हम लोग एटीएम चलते हैं और एटीएम से पैसा निकालते हैं। तो एटीएम पे जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग अलग ऑप्शन थे, तो वहाँ पे एक स्टाफ था, उसने बोला बहुत मतलब हेल्पफुल था बंदा, बोलता कि चलो ठीक है सर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो उसने ऑप्शन चूज़ किया और उसने बताया कि कौन कौन से पैसे निकालने हैं आपको। तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 80-90 हज़ार वॉन, जो अप्रोक्सीमेटली 5-6 हज़ार रुपये होते हैं, मतलब उतना ही है जिनको ज़रूरत पड़ेगी, बाद में और निकाल लेंगे। तो उसे डाला और जब हाथ में पैसे आए तो बड़ा किस्सा हो गया। वो था 8 लाख, 8 लाख निकाल लिए उसने। यहाँ खाने के बहुत सारे वैरायटीज हैं। मुझे यहाँ पर चीज़ ट्राई करनी थी, उसमें एक ये है ट्विस्ट पोटैटो, और जब देखा कि मैं 8 लाख वो निकाल लिए, अप्रोक्सीमेटली 40 हज़ार के आसपास जो मैंने देखा था कितना होगा, लेकिन उसमें से मेरा पैसा निकल गया। अब मैंने उससे बोला कि भाई अभी क्या करना है, तो बोला सर आपका इंडियन एटीएम है तो फिर हम लोग डिपॉजिट वापस कर नहीं सकते। तो हम लोग अंदर गए और वहाँ पर फिर उसके मैनेजर से बात की। मैनेजर बोलते सर अभी हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर लो। मतलब भाई मैं 2-3 दिन का रुकने वाला हूँ, मैं कहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 8 लाख वोन, मतलब कम से कम 50 हज़ार रुपये हो गए अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतना क्या खर्चा करने वाला हूँ मैं। और उसके बाद उसने फिर क्या बोला कि एक काम करो सर, जितना आपको ज़रूरत है उतना ले लो, बाकी आप अपना एक्सचेंज करा लीजिए। मतलब यार एक्सचेंज कराने में तो आपका आप कमीशन लोगे, उसमें मेरा सर नुकसान हो गई। बोलते कि सर ठीक है देखता हूँ मैं, आपको जितना ही मेरा कमीशन है मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो आपका अप्रोक्सीमेटली जितना आपकी कीमत थी रुपये की, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपका नुकसान नहीं होगा। बोले चल कोई बात नहीं। तो फिर मैंने लास्ट में जो पैसे बचे हुए थे उसके मैंने USD कन्वर्ट कराया। पर चलो गलतियाँ होती हैं ऐसे, तो इस बात भी ख्याल रखिए कि ऐसे छोटी मोटी बातें आती हैं, तो पैनिक मत हो और आराम से उसको कूल करो। ठीक है अब जो सो हुआ जो हुआ, लेकिन फर्स्ट डे कोरिया में मतलब अच्छा सा एक अच्छे सा एक्सपीरियंस मिल गया।
लेकिन अच्छा एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि वहाँ पे जो भी स्टाफ थे और जो भी मैंने जहाँ भी लोगों को देखा अब तक, मुझे काफ़ी फ्रेंडली लगे साउथ कोरिया, और मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प भी किया। इनफैक्ट जहाँ पे मेरा गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ, वहाँ के जो ओनर है, अफकोर्स एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों चलाते हैं, तो उसकी वाइफ ने बोला, उसने मेरी प्रॉब्लम सुनी, बोलती है अरे यार ये तो मतलब फिर तेरे को नुकसान हो जाएगा, मतलब वो तो जाएगा, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ और मैं अपनी लैंग्वेज में बात करती हूँ। तो उसने फिर समझाया उसको कि गलती तो आपके बंदे से हुई है, मतलब हमने तो कुछ गलती की नहीं थी, लेकिन मेरे क्लाइंट को फिर नुकसान हो गया। तो इसी वजह से फिर उसने थोड़ा समझा और उसने कंसिडर किया, और जो उसका कमीशन था एक्सचेंज का वो उसने रिड्यूस कर दिया। तो एक्चुअली ये लास्ट में घुमा फिर रखे, मुझे उतने पैसा जितना मेरा अमाउंट था रुपीज़ का, उतने मुझे US डॉलर्स मिल गए। कभी कभी अपने से इसलिए मिस्टेक हो जाती है, अब किसी से भी हो सकती है, लेकिन अब जो है कि अब बियर करना है तो करना है। लेकिन ज़्यादा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मुझे, ऐसा 100-200-300 रुपये का नुकसान हुआ होगा, विच इज़ फेयर इनफ, लेकिन एक अच्छा सबक मिला मुझे। तो आगे से बैंक में जब भी जाओ तो फिगर चेक करो एकदम कि आप क्या डाल रहे हो। अभी जा रहे हैं सोल टावर में, सोल टावर यहाँ पे केबल कार भी है, अगर मौका मिले तो देखते हैं कि रात में भी क्या नज़ारा मिलता है। फिर मैंने सुना कि सर रात में इसकी जो ब्यूटी है वो पूरा का पूरा ऊपर से बर्ड आई व्यू पूरा कोरिया सोल का देख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर केबल कार है जो आपको पूरा सोल टावर पे लेके आती है और वहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। नाइस एक्सपीरियंस, ऐसे पूरा आपको व्यू दिखता है पूरा सोल का, बहुत अच्छा व्यू था ये। और फटाफट एक केबल राइड कर ली मैंने। सोल टावर पे आने का मैंने इतना मूड था नहीं मेरा, क्योंकि ऊपर से मतलब वो तो हर जगह एक ही दिखता है, लेकिन ये जो केबल राइड का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी यूनिक था और मैं चाहता था कि इसको करूँ। तो अगर आप जब भी सोल में आ रहे हो तो केबल राइड लीजिए, या अगर आपको थोड़ा सा टाइम भी है तो आप इसमें ऊपर आके, वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है सोल टावर में, जिसमें आप जाकर देख सकते हो। चलते हैं, हम कुछ खाएंगे, अपना खाएंगे आज तो, मतलब बहुत दिन पूरा बिजी हो गया मेरा, तो चल रहा है अभी, देखते हैं कुछ खाने मिले तो देखते हैं। गंगम स्टाइल, और हम लोग जा रहे हैं गंगम स्क्वायर में, ये एक सोल का बहुत एक हैपनिंग एरिया है, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं आज। मैं जब हॉस्टल में था काफ़ी दोस्त लोग बन गए यहाँ पे, तो बोल रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग के लिए, थोड़ा खाना अपना ट्राई करेंगे, तो बोला चलो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हूँ गंगम स्क्वायर में, और ये बहुत लैंडमार्क है सोल का, तो मैं बोला कि इसको आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैंने अभी खाना पीना खाया था और यहाँ पे एक बड़ा फिर से एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो मैंने हम लोग 3-4 लोग साथ में गए थे, तो बोले कुछ खाते हैं, और खाने के लिए हमने कुछ मंगाया, तो उसमें एक वेजिटेरियन ऑप्शन था जो मैंने चूज़ किया। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन बोलते हो तो यहाँ पे वेजिटेरियन और वेगन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो मैंने खाया, अब मैं क्या उसको बताऊंगा नहीं क्या खाया, लेकिन वो वेजिटेरियन नहीं था। तो मैंने एक बाइट खाया, वो मालूम पड़ेगा कि ये वेजिटेरियन नहीं है। पर एनीवे होता है, तो मुझे छोड़ना पड़ा। अभी मैंने फिर एक कॉफ़ी पी, और ऑफकोर्स एक नया एक्सपीरियंस कि नॉनवेज का जो मैंने प्रण लिया था, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैंने एक बाइट खा लिया, बट विच इज़ वेरी इनफ। बट कमिंग बैक टू दिस एरिया, ये एरिया इज़ माइंड ब्लोइंग। आप देखो, पूरा आपको एक हाईटेक शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे, बड़े शोरूम है। तो अगर सोल में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। और ये है हमारी सोल की गंगम टूर, और इसको मैं लेने वाला हूँ। टूर साइज़ी से हाय हाय हाय, थैंक यू। वेलकम।
तो हम लोग अभी लेने वाले हैं टूर, तो यहाँ से दो तीन रूट हैं आपके, आप चूज कर सकते हो। तो इसमें आपको 12 लैंग्वेज मिलती हैं ऑडियो का, और आप देख सकते हो कि बस पहले डबल डेकर थी, उन्होंने कहा अभी कुछ रीजन्स की वजह से बंद कर दिया है, लेकिन आई थिंक ये भी एक अच्छी सी लग रही है। यहाँ के लिए तीन रूट्स हैं, ए बी और सी। ए जो है वो आपका गंगम सर्कल के बीच में घूमता है, मतलब उसके सेंटर में, और जो बी है वो आपका नॉर्थ में घुमाता है जहाँ पे आपके पूरे श्राइन्स और टेम्पल्स होते हैं। और सी वाला जो मैंने लिया हुआ है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, तो इसमें आपको पूरा जो मॉडर्न डिजाइन आर्किटेक्चर है उसको पूरा कवर करेंगे, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर। यहाँ पर 12 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, और एसी बस है, तो आराम से आप बैठ के इंजॉय कीजिए। Okay, thank you. Bye bye.